मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से आज बसपा प्रत्याशी पृथ्वीराज यादव व आजाद समाज पार्टी से अंजलि यादव ने किया नामांकन। आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी कर चुके हैं नामांकन। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का नॉमिनेशन करने का दौर जारी है। राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा 6 नवंबर नॉमिनेशन भरने की अंतिम तिथि तय की है। इसी कड़ी में आज मुंडावर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर के समक्ष बसपा प्रत्याशी पृथ्वीराज यादव व आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी अंजलि यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुंडावर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर ने बताया कि अब तक मुंडावर से आम आदमी पार्टी की अनीता चौधरी, बीजेपी के मंजीत चौधरी, कांग्रेस के ललित यादव ने अपना नामांकन किया है। निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम व्यवस्थाओं व कानून की कड़ी की अनुपालना के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। बसपा प्रत्याशी पृथ्वीराज यादव गाजेबाजे के साथ अपने समर्थकों सहित नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा की। वहीं आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव बिना गाजेबाजे के साथ समर्थकों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन करने पहुंची। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव ने 6 नवंबर को चुनावी सभा कार्यालय में जनसभा करने की बात कही। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि तन मन धन से पृथ्वीराज जी का साथ देकर इस हाथी को जयपुर की विधानसभा में भेजने का काम करें। आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, इससे पहले आपने आज बसपा से नामांकन किया, बसपा पार्टी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मुंडावर के मतदाताओं? मुंडावर के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि बसपा पार्टी से हमने नामांकन भरा है और बसपा पार्टी सभी धर्मों की, सभी वर्गों की पार्टी है, सभी का मन है और बाकी जो दो पार्टियाँ हैं उनसे जनता बहुत गंभीर रूप से छिप चुकी है, जनता हमारे साथ देगी ऐसा मार्ग विश्वास है। जय भारत। आज के बारे में बताइए, आपने किस पार्टी से क्या किया है यहाँ? आज मैंने अपना नामांकन किया है आगामी एएसपी पार्टी को ही। क्यों चुना आपने? चुनाव में किन मुद्दों पर आप आई? सबसे पहले मुद्दा हमारा होगा महिलाओं का शिक्षा, रोजगार। जो लोग युवा साथी हमारे बेरोजगार हैं, रोजगार की बहुत कोशिश की जाएगी। दूसरा हमारे लिए है महिलाएँ जो बहुत ज़्यादा सशक्त होती हैं और जिनके पास काम नहीं करते, काम करना चाहती हैं बाहर निकल के, कुछ ऐसी योजनाएँ बनाई गई हैं सरकार ने जो महिलाओं के लिए कुछ कुछ हैं, लेकिन उसके लिए महिलाओं को काफ़ी तालमेल बिठा कर काम करना पड़ता है। और दुर्घटना बीमा योजना वगैरह जो भी काफ़ी समय से आप कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं, क्या खामियां रही जो कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी? मैं नहीं समझती कि मुझे कोई खामी थी कांग्रेस को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ खामी थी, उन्होंने